चलिए मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो, जो बच्चे जून अटेम्प्ट के हैं, जो बच्चे किस अटेम्प्ट के हैं, जून अटेम्प्ट के लिए हैं, उनके लिए आईसीएसआई की तरफ से एक बहुत ही बढ़िया रिलैक्सिंग न्यूज है। और वो न्यूज क्या है वो आप देखो, ये आईसीएसआई के वेबसाइट पर आ गया है। देखिए क्या लिखा हुआ है, टेम्पररी रिलैक्सेशन फॉर कंप्लाइंग विथ प्री टेस्ट, प्री एग्जाम टेस्ट एंड ODOP। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनेंगे, पहले ये है क्या वो समझो आप। देखो आप सबको मालूम है कि आप सबों का एग्जाम जून 2022 में है। जून 2022 वाले एग्जाम के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म कब तक भरे जाने हैं? 25 मार्च 2022 तक, आपको मालूम है ना, ये लास्ट डेट है फॉर एग्जाम फॉर्म फिल करने का। आपको मालूम होगा एग्जाम फॉर्म फिल करने से पहले आपको दो चीजें कंप्लीट कर लेनी होती है। एक तो ODOP आपको कंप्लीट कर लेना होता है, वन डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम, और दूसरा आपको प्री एग्जाम टेस्ट क्लियर करना होता है, है ना। ये सबको रूल मालूम है ना। देखिए मैं फिर से बोलता रहूं, अगर आपका जून में एग्जाम है तो 25 मार्च इज द लास्ट डेट फॉर फिलिंग द एग्जामिनेशन फॉर्म। और एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने से पहले आपको ODOP कंप्लीट कर लेना होता है और प्री एग्जाम टेस्ट को कंप्लीट कर लेना होता है। ये दो रिक्वायरमेंट है और ये दोनों ही रिक्वायरमेंट है, मतलब दोनों के बीच में प्लस है, ये कर लेना होता है। लेकिन आईसीएसआई ने इसी के ऊपर अभी एक अनाउंसमेंट किया है, वो अनाउंसमेंट मैं आपको बता देता हूं। वो अनाउंसमेंट क्या है ये देखिए, आईसीएसआई की वेबसाइट पे है। आप आईसीएसआई की वेबसाइट पर जाएंगे, उसके बाद लेटेस्ट एट आईसीएसआई पे क्लिक करेंगे, स्टूडेंट टैब में जाएंगे और वहां पे सबसे पहले आ रहा देखो टेम्पररी रिलैक्सेशन, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये पूरा इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट खुल जाता है। इसको लाइन बाय लाइन एक बार हम पढ़ लेते हैं। एक्चुअली रिलैक्सेशन ये टेम्पररी है, इसका मतलब ये परमानेंट नहीं है, अभी आप नहीं करेंगे पर बाद में आपको करना पड़ेगा। अभी हम पूरा पढ़ लेते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है। टेम्पररी रिलैक्सेशन फॉर कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट ऑफ फर्स्ट प्री एग्जामिनेशन टेस्ट, सेकेंड वन डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम, किनके लिए, ये जून 2022 एग्जाम वाले के लिए। अब देखिए जरा ध्यान से सुनिए, पहले ये रूल बता रहे हैं कि आप सबको मालूम है कि ये दोनों आपको कंप्लीट करना होता है, लेकिन अब इन्होंने कोविड के वजह से, पता नहीं ये कोविड का मामला कब तक चलेगा, ये देखो एज ए स्पेशल केस, मतलब कोविड के वजह से ये टेम्पररी रिलैक्सेशन दे रहे हैं आपको। और वो कह रहे हैं कि आप 25 मार्च 2022 तक आप एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं और आपको मालूम होगा 10 दिन का और टाइम दिया जाता है विद लेट फीस, आप एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन यहां सबसे इंपॉर्टेंट है विदाउट चेकिंग द स्टेटस ऑफ कंप्लायंस विद द अफोर्सेड रिक्वायरमेंट। मतलब जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे तो ODOP आपने किया है कि नहीं किया है वो चेक नहीं होगा, आपने प्री एग्जाम टेस्ट दिया कि नहीं दिया है और उसको पास किया है कि नहीं किया है वो अब टेस्ट अभी नहीं होगा, पर ये टेम्पररी है। उसके आगे भी देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, लेकिन आपको ये दोनों ही रिक्वायरमेंट 30 अप्रैल तक कर लेने पड़ेंगे। तो इसका मतलब 25 मार्च का डेट बढ़ा के ये क्या कर दिया है, 30 अप्रैल का डेट कर दिया है। तो इसका मतलब कितना डेट बढ़ा दिया इन्होंने, लगभग 1 महीने 5 दिन, 1 महीने 5 दिन इन्होंने बढ़ा दिया है। तो इसलिए मैंने बोला था बार बार ये टेम्पररी रिलैक्सेशन है, ये परमानेंट नहीं है। मतलब ये नहीं कि जून अटेम्प्ट वाले बच्चे ODOP देंगे ही नहीं या प्री एग्जाम टेस्ट देंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 25 मार्च तक उसका कारण है, जनवरी लॉकडाउन में रहा तो आईसीएसआई को ऐसा लगा कि जनवरी लॉकडाउन होने की वजह से बच्चे का 1 महीना खराब हुआ, तो इसलिए 1 महीना उन्होंने बढ़ा दिया। तो क्या एग्जामिनेशन का जो डेट, एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने का जो डेट है वो भी बढ़ा है ना, वो तो वही है, वो तो आपका डेट क्या रहेगा 25 मार्च ही रहेगा, 25 मार्च तक एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर दो, पर ODOP और प्री एग्जाम टेस्ट आप कब तक कंप्लीट कर सकते हैं, 30 अप्रैल तक कंप्लीट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर बच्चा 30 अप्रैल तक ही कंप्लीट नहीं किया तो फिर उसको एग्जाम में अपियर होने नहीं दिया जाएगा, उसका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। अगर फिर से कोई रिलैक्सेशन दे दे बाद में तो वो बात अलग है, पर अभी कहानी यही है। देख लीजिए आप साफ साफ यहां लिखा हुआ है कि अगर आप 30 अप्रैल तक नहीं कंप्लीट करते हैं क्या प्री एग्जाम टेस्ट और ODOP, तो उस केस में देखिए आपका जो एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड आएगा वो आपको इश्यू नहीं किया जाएगा।
और जो एग्जामिनेशन फीस आपने दिया हुआ है वो उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा अगले एग्जाम के लिए। बात समझ में आ गई? तो ये कंपलसरी रहा, बस एक्सटेंशन मिल गया। कितने का? एक महीने, लगभग एक महीने पांच दिन का एक्सटेंशन मिल गया। जो आपको 25 मार्च तक कंप्लीट कर लेना चाहिए था वो अब आपको 30 अप्रैल तक करना है, बस यही है। तो बात समझ में आ गई? इन नटशेल क्या काम है, 25 मार्च तक आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भर लेना है। अगर आपने 25 मार्च तक ओडीओपी कर लिया है या प्री एग्जाम टेस्ट क्लियर कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर प्री एग्जाम टेस्ट आपका नहीं हुआ या ओडीओपी नहीं हुआ है तो भी चलिए आप 30 अप्रैल तक उसको कंप्लीट कर सकते हैं, है ना, तभी आप जून वाले एग्जामिनेशन में अपियर हो पाएंगे। तो ये एक न्यूज था जो मैंने आपको बता दिया।